हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं मैसेजेस फ्रॉम गॉड फॉर योर न्यू ईयर, कि इस नए साल में आपके लिए क्या मैसेज है गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या मैसेज देना चाहते हैं गॉड आपको फॉर योर न्यू ईयर 2022। मैसेजेस फ्रॉम गॉड फॉर योर न्यू ईयर 2022। पहला मैसेज है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। यस, तो ये साल आपके लिए काफ़ी सारे चेंजेस लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, जो भी, अगर आपकी लाइफ एक ठहर सी गई है एक पॉइंट पे आके, कुछ चेंज, कुछ बदलाव नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में, तो ये साल डेफिनेटली आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लेके आने वाला है जो कि आपके बेनिफिट में ही होंगे। आपकी जो भी सिचुएशन है ना, वो चेंज होने वाली है। जो भी नेगेटिव चल रहा है वो चेंज होगा। एंड कम्युनिकेशन इज़ की। सो इस साल आपके ओपन कम्युनिकेशन होंगे लोगों के साथ। ठीक है, आपको इस साल ना, अगर कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, कोई बात आपको बॉदर कर रही है, तो वो आपको अपने अंदर नहीं रखना है, आपको कम्युनिकेट करना है वो अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ। ओके, एक्सप्रेस करना सीखिए इस साल। और अगर कम्युनिकेशन आपके बंद हो गए हैं कुछ लोगों के साथ, तो वो फिर से स्टार्ट होंगे। देन वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो ये साल काफ़ी सारे एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे आपको कुछ चीज़ों में। ठीक है, मतलब अगर आपने कुछ चीज़ें हैं जो अपने हिसाब से आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बट उसमें कुछ चेंज नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ा सा उसमें एडजस्ट करिए, थोड़ा सा कुछ चेंज लेके आइए। देखिए कहाँ गलती कर रहे हो आप, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेके। ठीक है, और वहाँ उसमें एडजस्ट करके चेंजेस लेके आइए और फिर उसे सही करिए। ठीक है, तो एडजस्टमेंट करिए। और देखते हैं और क्या मैसेज है गॉड का आपके लिए फॉर योर न्यू ईयर। विजडम। इस साल आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। सीखना जस्ट कुछ नया, पढ़ाई करना नहीं। ये साल आपको, मतलब आपने बहुत कुछ ऑलरेडी सीख लिया है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं पुराने, काफ़ी विजडम है, तो मे बी आप उस विजडम को यूटिलाइज करोगे इस साल। जो भी आपने लाइफ लेसन सीखे हैं, कि मेक श्योर आप वही गलतियाँ फिर से ना दोहराओ, बिकॉज आपके अंदर इनफ विजडम है। और ये साल भी एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखो, और नया सीखो, चाहे पढ़ाई में सीखो, चाहे लाइफ लेसन्स लो, बट यू नो लर्न, हर एक्सपीरियंस से सीखते रहिए। मनी। ये साल आपके लिए मनी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। करियर, मनी अपॉर्चुनिटीज़, मौका देगा आपको ये साल पैसे कमाने का, अपना फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव करने का। प्रपोजल, जो लोग वेट कर रहे हैं प्रपोजल का, शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, उन्हें प्रपोजल भी मिलेगा इस साल। ठीक है, काफ़ी मतलब रोमांटिक ईयर जाने वाला है, जो लोग वेट कर रहे हैं फॉर द प्रपोजल। देन वी हैव सोल सिम्बल। या सो आपको ना अपने आसपास के सिम्बल्स पे, आपका सोल, आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है उस पर ट्रस्ट करना है। काफ़ी इंट्यूटिव ईयर रहेगा, गॉड आपके साथ हैं, आपको टाइम टाइम पे वो गाइडेंस देते रहेंगे, सिम्बल्स दिखाते रहेंगे, एंजल नंबर्स शो होते रहेंगे। जहाँ भी आप गलत जा रहे हो, वहाँ आपको डिवाइन गाइड भी करेंगे। तो अपने आसपास आप क्या एंजल नंबर्स देख रहे हो, क्या ऑब्जर्वेशन, आपको कोई ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं। ठीक है, सो आपको ना उन चीज़ों पे ध्यान देना है। आपको एकदम मतलब काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नी रहेगी आपकी इस साल। और देख लेते हैं हम आपके लिए 2022 डिवाइन गॉड गाइडेंस। ओके, फर्स्ट इज सिक्स ऑफ कप्स, मेमोरीज, चाइल्डहुड, नॉस्टैल्जिया। या इस साल आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, सिक्स ऑफ कप्स, आपकी मीटिंग हो सकती है उनसे। ठीक है, या आपको किसी की बहुत मिस कर रहे हो, आपको याद आ रही है किसी की, तो आप उनसे मिल सकते हो। कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो आप से मिल सकता है, मिल सकती है इस साल। ठीक है, या पुराने कुछ दोस्त हैं, उनसे मुलाकात हो सकती है।
काफ़ी मे बी आप इस साल ना आप थोड़े सा अपना चाइल्डहुड मिस कर सकते हो कि यू नो आप जब आप छोटे थे तो आप की लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, या अपने चाइल्डहुड डेज़ को आप मिस कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप एक मेमोरी है आपकी जो आपको बहुत याद आ सकती है इस साल। एट ऑफ पेंटिकल्स एजुकेशन फोकस दी दिल्ली, बहुत बिजी रहोगे अपने वर्क में, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी आपके लिए, लेकिन आपके लिए आपके स्किल्स को बाहर लेके आओगे आप इस साल, एजुकेशन लोगे, पढ़ाई करोगे, कुछ नया सीखोगे, फोकस और डिटेल्स हर एक छोटी छोटी बातों पे आप फोकस करने वाले हो अपनी वर्क लाइफ में, हर एक डिटेल पे, बिकॉज आपको ना इस साल सारा काम परफेक्ट करना है, परफेक्शन इज योर गोल, ओके। सो आप कुछ ना कुछ नया स्किल सीख रहे हो, कुछ ना कुछ नया टैलेंट सीख रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। सो काफ़ी फोकस रहेगा आपका अपने वर्क के ऊपर भी, एंड दैट इज़ वेरी गुड। फोर ऑफ कप्स डिस्ट्रैक्शन, सेल्फ अब्जॉर्प्शन, डिसकंटेंटमेंट। तो इस साल ना आपको मतलब वो चीज़ें पे फोकस नहीं करना है जो आपके पास नहीं है, आपको फोकस उस पे करना है जो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। सो अपने आप को ना डिसकंटेंट फील मत करिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन जो आपको आपके गोल से दूर लेके जा रही है, डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, वो नहीं करना है। और सेल्फ एब्जॉर्प्शन, खुद के ख्यालों में खोए रहना, आसपास क्या हो रहा है आता पता ही नहीं है, ठीक है, मतलब टाइम निकला जा रहा है बट यू आर नॉट फोकसिंग, इस तरह की आपको, इस तरह का एटीट्यूड आपको इस साल नहीं रखना है। देन वी हैव मैजिशियन या मैनिफेस्टेशन एम्पावरमेंट प्रिपेयर्डनेस। आप इस साल मैनिफेस्ट करके बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने लिए अचीव कर सकते हो, ठीक है, मैनिफेस्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी इस साल आपके लिए। और मतलब अगर आपको ऐसा फील होता है कि यू नो आप में वो स्पिरिचुअल कैपेबिलिटी है, कि अगर आप यू नो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है आपके अंदर, कि अगर आप गॉड से कुछ मांगो या मैनिफेस्ट करो तो वो पूरा होता है, देन डेफिनेटली अपने उस पावर का यूटिलाइज करिए। हार्डवर्क तो करना ही है बट कहीं ना कहीं यू नो मैनिफेस्ट करके आप उन चीज़ों को जल्दी हासिल कर सकते हो। और देख लेते हैं, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, या चीज़ों में चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ेंगी इस साल, ना आप पीछे नहीं रहोगे, चीज़ें आगे ही बढ़ेंगी, चाहे लव लाइफ है, रिलेशन, करियर, एवरीथिंग। आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो मुझे इस साल, कहीं दूर सेटल होते हुए दिख रहे हो बट आगे बढ़ रहे हो आप लाइफ में। ओके, देन वी हैव सोलर प्लेक्सस चक्रा, काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा आपको आपके अंदर, ठीक है, काफ़ी कॉन्फिडेंट ईयर रहेगा ये आपके लिए। पावर, या पावर, स्ट्रेंथ, 88, ओके, 88 डेफिनेटली यहाँ पे आपको 888 नंबर बहुत शो हो सकता है इस साल। सो काफ़ी कॉन्फिडेंट ईयर रहेगा, अपनी फुल स्ट्रेंथ में आओगे इस साल, और जो भी आपकी लाइफ में डिलेज हुए हैं आपकी वजह से वो सही होंगे, आपको डिले नहीं होगा क्योंकि अब आपको पता है कि कैसे चीज़ें करनी है। ओके, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं 2022। न्यू जॉब, करियर, या काफी लोगों को नई जॉब मिलेगी इस साल, काफी लोग अपना करियर चेंज कर सकते हैं ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे हो बहुत वक्त से कि आपको अपना करियर ही ओवरऑल चेंज करना है तो वो भी पॉसिबल है इस साल, बट करियर लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे इस साल। देन वी हैव वर्क अचीवमेंट सक्सेस, यस, आपको अपने वर्क में सक्सेस मिलेगी, रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको हार्डवर्क करना है इस साल। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग, चेंज आ रहा है आपके लिए, चीज़ें हमेशा खराब नहीं रहेंगी और एक पॉजिटिव चेंज ही आ रहा है आपके लिए इस साल। कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन, या ये साल विल बी अ ईयर ऑफ कर्मा, जितना हार्डवर्क करोगे उतने ही लकी होते जाओगे, वही कर्मा मिलेगा आपको, ठीक है। सो फोकस ऑन योर वर्क। देन वी हैव लव, या लव रिलेशनशिप भी आपके काफ़ी इम्प्रूव होंगे इस साल, काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है आपके लिए,
लव रिलेशनशिप में भी। ओके लास्ट हम अब यहाँ से देख लेते हैं एडवाइस आपके लिए लास्ट 2022। स्टार आपके लिए गुड लक और सेरेंडिपिटी आ रही है, क्योंकि आप लोग मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर चुके हो, कुछ चीज़ों को कर रहे हो आप मैनिफेस्ट, ठीक है। लेकिन ये साल आपके लिए हीलिंग लेके आ रहा है, गुड लक, गुड फॉर्च्यून, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपके लिए मिलेंगी आपको इस साल। देन वी हैव फिलोसोफर्स स्टोन, पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेज एंड गोल्स बाय हार्नेसिंग यूनिवर्सल एनर्जी। सी मैनिफेस्टेशन 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 बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल मैनिफेस्टेशन करना आपके लिए, ठीक है। बिकॉज यूनिवर्स के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी इस साल की, आप कुछ भी इजिली मैनिफेस्ट कर पाओगे। देन ऑन टारगेट फॉलो योर आइडल लाइफ पाथ, आपको अपना आइडल लाइफ पाथ फॉलो करना है, ठीक है। आपका जो भी गोल है ना उस पर फोकस करना है, उसे भटकना नहीं है, और जो भी आपने अभी सोच रखा है ना, आपका जो भी एक चार्ट है जो आपने प्रिपेयर किया कि मुझे ये साल ये अचीव करना है, तो उस पर फोकस लगाना है आपको अपना। ओके गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।